नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल अल्ट्रा हील होम्योपैथी में मैं डॉक्टर आरती पाठक और आज मैं आपसे बात करूंगी मेनोरेजिया के बारे में तो फ्रेंड्स मेनोरेजिया क्या है मेनोरेजिया मींस एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैंसिस अगर मैंसिस के टाइम पर ब्लीडिंग सात दिन से ज़्यादा रहती है तो इसको मेनोरेजिया बोलते हैं अब इसके कॉज क्या क्या हो सकते हैं तो मेनोरेजिया के कॉज बहुत सारे हो सकते हैं इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कोई भी पैल्विक पैथोलॉजिस जिसमें फाइब्राइड यूट्रस पैल्विक इन्फ्लेटरी डिसीज या फिर ब्लीडिंग टेंडेंसी हो सकती है एक्सेसिव या आपको कोई ट्यूमर हो सकता है फाइब्रॉयड हो सकता है यूट्रस में उसके साथ साथ हार्मोनल चेंजेस भी हो सकते हैं जैसे अगर थायराइड हाइपोथायरॉयडिज़म है पेशेंट को तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है उसको तो बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं और कोई व्रेन पैथोलॉजी भी हो सकती है यूट्रस के साथ साथ तो कॉजिज़ ऑफ मैनोरेजिया आर मैनी और इसको डायग्नोसिस जो है इसके लिए यू कराना इम्पॉर्टेंट है और उसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं अगर कोई ऐसी क्या दवाएं हैं जो हेमरेज कंट्रोल कर सकती हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि होम्योपैथी में बहुत सारी इफेक्टिव मेडिसिन है जो हेमरेज को कंट्रोल करने में इफेक्टिव हैं और मैनोरेजिया को केसेस को कंट्रोल करने में बहुत इफेक्टिव हैं मैंसेज को रेगुलेट करने में बहुत इफेक्टिव हैं उसमें से एक मेडिसन है फाइकस रेलिडियोसा उसके बारे में आज हम बात करेंगे तो फ्रेंड्स हमेशा की तरह आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलते रहें तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स हमारी आज की मेडिसिन है फाइकस रेलिजियोसा इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंटी हेमरेजिक मेडिसिन एंड इट इज़ इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग मैनी काइंड ऑफ हेमरेजिस इंक्लूडिंग मैनोरेजिया the common name of ficus religiosa is peepal tree yes our very own peepal tree it is a very important medicinal plant and it is very useful in many kind of diseases it is a great anti-hemorrhagic and used in many kind of hemorrhages tincture is prepared from juice of fresh leaves mixed with equal parts of alcohol so the uh, uh, tincture is prepared from the fresh leaves and the further potencies are prepared from it now the indications of ficus religiosa as i have already told you it is useful in controlling many kind of hemorrhages and it is given in cases of hematuria hematemesis metrorrhagia menorrhagia hemoptysis dysentery mixed with blood and uh, bleeding piles and epistaxis also so it is useful in all kind of hemorrhages of the body Now the indications of Ficus religiosa in Menorrhagia It is useful in controlling the hemorrhages of the uterus The indications are the female is quiet and disinclined to move There is sadness and melancholy with the hemorrhage There is nausea and vertigo and slight headache is present with the hemorrhage Burning at the vertex is present The bearing down pains is present along with the bright red blood the lower part of uh, the abdomen is very painful along with the discharge of bright red blood, refuse discharge of bright red blood. It is the indication of ficus religiosa in case of menorrhagia. Now, the patient is very weak and restless. So, the general condition of the patient is very weak and restless because there is anemia with the uh, present with the hemorrhage. Now, the dose in which it is effective in controlling. The hemorrhage it is very effective in uh, controlling the hemorrhage in 1x potency so if the patient is having menorrhagia and the indications of ficus religiosa is present then the 1x potency will control the hemorrhage immediately within two three doses the uh, medicine will work and the patient should be con uh, repeat the medicine until the hemorrhage completely stops फ्रेंड्स जैसा मैंने आपको बताया कि हेमरेज को कंट्रोल करने के लिए फाइकस रेलिजोसा बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है पर आपको फिजिशियन को कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है कोई भी मेडिसिन लेने से पहले क्योंकि मेनोरेजिया के बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं इसमें यूट्रस में पैथोलॉजी हो सकती है हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं और ब्लीडिंग टेंडेंसी भी हो सकती है पेशेंट को तो उसका कॉज पता करना ज़रूरी है तो इसीलिए आप अपने फिजिशियन को कंसल्ट करने के बाद ही कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन लें ताकि जो आपका सिम्टम्स हैं उसको एनालाइज करके उसको प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही आप मेडिसिन लें ताकि आपको डिजीज़ जो है कंप्लीट क्योर हो सके यू कैन कंसल्ट मी आल्सो ऑन माय व्हाट्सएप एंड माय वेबसाइट आल्सो सो फ्रेंड्स आपको ये जानकारी कैसी लगी अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिए अपने सजेशंस फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग विद माई वीडियो बाय टेक केयर